और फिर हम लोग नया रूप से फिर हम लोग हेमंत बाबू का नेतृत्व में हम लोग मोहम्मद कर देखे। अभी तक हम उस सब आगे नहीं बोलेंगे, एक घंटा के बाद फिर बोलेंगे, लेकिन आज का सर 5 महीने के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? कई सराहना विपक्ष ने सराहना कर दी है। हमारा कामकाज आईना के अंदर ही साफ है बिल्कुल, उसमें हमने कोई। विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लेने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपे सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने बहुमत हासिल किया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के कारण राज्य में पिछले दिनों नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में चली 5 महीने की सरकार का कामकाज बिल्कुल आईने की तरह साफ है। हम तो बोल दिया आओ सभी, राजा अमित का जनादेश 5 साल के लिए है और राजनीतिक घटनाक्रम या राजनीतिक परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हुई के बीच में नेतृत्व परिवर्तन करा और फिर हम लोग नया रूप से फिर हम लोग हेमंत बाबू का नेतृत्व में हम लोग मोहम्मद कर तो दादा मंत्रिमंडल विस्तार है आप दादा पार्टी ये सब देखो ये सब संगठन की बात है, गठबंधन की बात है, इसीलिए उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है। कोई भी रहता है गठबंधन और संगठन के बीच रह के और वहाँ का निर्णय को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल से शामिल होंगे? देखिए अभी तक हम उस सब आगे नहीं बोलेंगे, एक घंटा के बाद फिर बोलेंगे, लेकिन आज का सर 5 महीने के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? कई सराहना विपक्ष ने सराहना कर दी है। हमारा कामकाज आईना के अंदर ही साफ है बिल्कुल, उसमें हमने कोई ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो आज हेमंत बाबू के नेतृत्व में जो फिर सरकार हम लोग बहुमत दिया उसका शुभकामना देता हूं। क्या माना जाए कि कांग्रेस के कारण चंपई सोरेन को मतदाता बना? ये भी उस बारे में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अभी का जो हेमंत बाबू को हम लोग आज बहुमत हम लोग दिया आप उस सरकार के मतलब उस सरकार को शुभकामना देता हूँ।